मैं पहले तो सबसे पहले मैं अपने मीडिया कर्मियों का शुक्र अदा करता हूं जो यहां तक पहुंचे हैं। हमारा मसला ये है कि आरएनबी ने 2017 में इसका रोड का टेंडर किया था, तो 2017 से लेके 2022 चल रहा है, 22 चल रहा है, अभी तक ये रोड कंप्लीट नहीं हुआ। ये प्रोजेक्ट 2,17,00,000 रुपये का था, जिसमें कि 84 लैक्स का इसमें काम हुआ है, बाकी अभी तक कोई काम नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्टर यहाँ से छोड़ के इसको भाग गया है, तो अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। इसमें इसकी हालत भी ख़राब है, तो PMGSY वालों ने क्या किया, इसमें आरडी छोटियाँ गाड़ी वगैरह छोटी जाते थे, तो अभी उन PMGS वालों ने इसको रोड को काट दिया है, इसमें 5 फुट डाउन कर दिया है, जिसकी वजह से अभी तक 1 मंथ हो गया इसमें गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं। SDM साहब से भी रिक्वेस्ट की है, SDM साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी, SDM साहब यहाँ मौके पे भी आए थे, उनने देखा भी, उनने कहा था 2 घंटे के बाद आपका रोड ठीक कर देंगे, लेकिन तब से लेके 1 मंथ हो गया, ये रोड अभी तक ठीक नहीं हुआ है जनाब। और दूसरा एक इशू है सर हमारा, ये क्या बोलते हैं, इस रोड का मैग्नमाइज होना चाहिए रोड हमारा ये, और इसमें वॉल्स वगैरह कलवर्ट्स वगैरह अभी पेंडिंग है, वॉल्स वगैरह पेंडिंग है, ना कि अभी कलवर्ट्स में की जगह हमने स्टोन बोल्डर्स वगैरह रख के गाड़ियां पार कर रहे हैं। वॉल्स नीचे लगे हुए थे, वो खराब हुए, जो वॉल्स पीछे लगे हुए हैं उनमें 1 मंथ नहीं हुआ वॉल्स को, नीचे गिर गए। उन SDM साहब मौके पे आके उनने देखा भी, PMGSY का कॉन्ट्रैक्ट इस टाइम उन्होंने 2-3 किलोमीटर तक PMGSY ने BT करनी थी, इसमें मैग्नमाइज करना था इस रोड को, गरकोट टू जो कलर वाला है, लेकिन अभी तक वो उसने मैग्नमाइज को नहीं किया। उसका मटेरियल इतना थर्ड क्लास है कि जो नरेगा की दीवारें हैं, नरेगा जैसा, नरेगा से भी बदतर हाल है इसका। कंक्रीट उन्होंने रात को 1 बजे विदाउट जई विदाउट AEE के बगैर 1 बजे रात को नाले में उन्होंने कंक्रीट की उस टाइम। हम ये चाहते हैं, हाँ, यहाँ पे क्वालिटी वर्क अच्छा, काम अच्छा हो, PMGSY का काम अच्छा हो, बढ़िया से हो, और इसमें वॉल्स वगैरह लगें, ताकि आपने खुद देखा यहाँ पे इस टर्निंग में PMGSY के रोड में डबल टर्न, छोटी अल्टो 800 गाड़ी को डबल टर्न करना पड़ता है, हाँ के ना के